क्या आपने इस जानवर के बारे में सुना है जो लायन और टाइगर की मिक्सचर है? और क्या आपने जिब्रा और डोंकी दोनों के रूप वाले जानवर को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे हाइब्रिड जानवर है जिनके बारे में कम ही सुनने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, लाइगर। दोस्तों, ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिक्स है। इनको मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। इनका बॉडी फीमेल लायन की तरह होती है और इसके ऊपर टाइगर की तरह हल्के धड़ियां दिखाई देती है। लाइगर की वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लायन से ज्यादा होती है, जहां इनका वजन करीब 400 केजी तक होती है, तो वही इनका लंबाई 9 से 11 फीट तक बढ़ सकती है। इसी खासियत की वजह से ये पूरी कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। नंबर दो, डॉल्फिन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसको फीमेल डॉल्फिन और मेल फॉल्स किलर वाइल्ड हाइब्रिड करके बनाया गया है। ये जीव देखने में काफी शानदार लगता है। इनको फिश साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के दौरान बनाया था, जो कि सफल रहा। ये डॉल्फिन देखने में डॉल्फिन जैसी लगती है, बस उनकी दांत अलग होती है, जो देखने में काफी खतरनाक लगती है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इनका स्वभाव डॉल्फिन की तरह होती है, जिसकी वजह से ये काफी फ्रेंडली होती है। नंबर तीन, जैक लायन। मादा शेर और मेल काला जगुआर से हाइब्रिड प्रजाति का जैक लायन को बनाया गया है। एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है, जिसकी शुरुआत कनाडा की बियर ग्रीक वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी जू से होती है। यह एक मादा शेर और मेल जगुआर को लाया गया था। ये दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और फिर मादा लायन दोनों जैक लायन को जन्म दिया था। एक बच्चे अपने माँ की तरह दिखाई देती है और दूसरे बच्चे अपने पिता की तरह लगता था, लेकिन दोनों का साइज लगभग लायन जैसा ही होती है। नंबर चार, डोंकी। ये जानवर मेल जिब्रा और फीमेल डोंकी को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। इस हाइब्रिड जानवर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने माता पिता जैसी दिखता है। जहाँ इनका साइज डोंकी जैसा है, तो वही दूसरी तरफ इसके बॉडी पर जिब्रा जैसी लाइन भी है। ये जानवर बहुत ही रेयर होती है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलती है। जहाँ गाधा बहुत ही पालतू होती है, वही जिब्रा जंगली होने की वजह से काफी आक्रामक होती है। इसी कारण डोंकी को अपने पिता का गुण मिला है। तो दोस्तों, आखिर में नंबर पाँच पर है सवाना कैट। ये बिल्ली इस दुनिया के सबसे पॉपुलर कैट में से एक है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये बिल्ली हाइब्रिड करके बनाया गया है। इनको सर्बल वाइल्ड अफ्रीकन कैट और पालतू बिल्ली का क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। खास तौर पर बिल्ली काफी आलसी होती है, लेकिन ये हाइब्रिड कैट बाकी बिल्लियों के मुकाबले काफी शैतान और चुलबुली होती है। ये गुण इन बिल्ली को अफ्रीकन कैट से मिली है, लेकिन ये वाइल्ड कैट की तरह आक्रामक नहीं होती, बल्कि काफी शांत होती है, जिसके कारण लोग इसे घर में पालना बहुत ही पसंद करती है।